हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेडीहट। एंड आज हम बात करने वाले हैं कोस थ्री ड्रॉप के बारे में। क्या इसके यूज़ हैं, क्या डोज़ हैं एंड क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, सब कुछ जानेंगे आज हम इस वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक कर लें। अब हम बात कर लेते हैं कोस थ्री ड्रॉप के बारे में। ये आपको ड्रॉप, सिरप और कैप्सूल तीनों ही के फॉर्म में अवेलेबल हो जाती है, पर आज हम बात करने वाले हैं ड्रॉप के बारे में। तो आज हम ड्रॉप के बारे में सब कुछ जानेंगे। अगर आपको पूरी जानकारी लेनी है तो वीडियो को प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखें। अब हम बात कर लेते हैं इसकी MRP के बारे में, यानी ये कितने रुपए की आपको मार्केट में मिल जाएगी। तो ये 350 रुपये की आपको मार्केट में मिल जाएगी और ये 30 ml की बोतल आती है, जो कि आपको आसानी से कहीं भी मिल जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं इसकी कंपनी के बारे में। तो इसकी कंपनी की बात करें तो ये एक्यूमेंटस कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में, यानी इसके अंदर साल्ट क्या क्या पाए जाते हैं। तो एक तो इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है और कैल्सीफेरॉल पाया जाता है, DHA और EPA भी इसके अंदर पाया जाता है, और मल्टी विटामिन और विटामिन D3 भी पाया जाता है। यानी कुल मिला के बात यह है, इसके अंदर बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए अच्छे होते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड के बारे में, यानी इसके अंदर जो साल्ट पाया जा रहा है ओमेगा 3 फैटी एसिड, इसका काम क्या होता है। तो जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड यानी कि 3 फैटी एसिड से मिलकर बना होता है। अब हम बात कर लेते हैं कौन कौन से फैटी एसिड होते हैं। तो एक तो इसके अंदर होता है EPA पाया जाता है, एक DHA पाया जाता है एंड एक ALA पाया जाता है। ये तीनों ही ग्रुप की फॉर्म में पाए जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं EPA जो इसके अंदर पाया जाता है, इसका काम क्या होता है। तो ये ब्रेन के डेवलपमेंट में सहायता करती है। कभी कभी क्या होता है कि कोई लोग, जैसे कि बहुत से बच्चे होते हैं या बड़े भी होते हैं, तो मानसिक रूप से थोड़े कमज़ोर होते हैं, तो उसके अंदर EPA बहुत अच्छा काम करता है। अब हम बात कर लेते हैं DHA के बारे में, यानी इसके अंदर जो DHA पाया जाता है ये क्या काम करता है। तो ये ग्रोथ पावर को बढ़ाता है, यानी अटेंशन को बढ़ाता है। यानी क्या होता है, कभी कभी कोई बच्चा जैसे ज़्यादा पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता या बार बार ध्यान भटकता रहता है, तो ये कंसनट्रेट करने में DHA फ़ायदेमंद होता है। और ये आँख की रोशनी भी बढ़ाता है और बॉडी को स्ट्रॉन्ग भी बनाता है। अब हम बात कर लेते हैं ALA के बारे में कि ALA का क्या काम होता है। कभी कभी क्या होता है कि हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा वीकनेस सी महसूस होती है, तो उसके अंदर ALA का इसके अंदर यूज़ किया जाता है। यानी कुल मिला के बात क्या है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड क्या करता है, ये हमारे शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, जिससे फ़ायदा क्या होता है, हमारे शरीर में कभी कभी हार्ट से रिलेटेड भी बीमारी हो जाती है तो उसको भी ये बचाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि ओमेगा 3 के फ़ायदे क्या हैं, या जो कोस 3 की ड्रॉप है इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। तो इसका जो फ़ायदा है, एक तो ये हार्ट से रिलेटेड अगर कोई भी दिक्कत होगी तो ये कभी भी बच्चे को ये दिक्कत नहीं होगी। आँख की रोशनी बढ़ाता है, अगर कोई बच्चा मेंटली डिस्टर्ब है या मेंटली बोल सकते हैं, या अगर कोई बच्चा वीक है तो उसके अंदर भी मेमोरी पावर बढ़ाने के काफ़ी अच्छा काम में आता है। ये ग्रोथ में भी काम आता है, अगर बच्चा कमज़ोर है तो उसको, उसकी बॉडी के अंदर वीकनेस है तो उसके अंदर स्ट्रेंथ भी काफ़ी हेल्पफुल होती है। अब हम बात कर लेते हैं जो इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, ये अगर आप नेचुरल, यानी आप इसको वेजिटेरियन, और मतलब पहले क्या होता है कि ये तो ड्रॉप है तो ये बना के दे दिया आपको। अगर आपको ओमेगा 3 घर में ही लेना है तो आपको कौन कौन सी चीज़ लेनी चाहिए। अब दो तरह के लोग होते हैं, एक नॉन वेजिटेरियन होते हैं, एक वेजिटेरियन होते हैं। अब पहले बात कर लेते हैं हम नॉन वेजिटेरियन, यानी ओमेगा 3 जो पाया जाता है वो किस किस चीज़ में पाया जाता है। ये ज़्यादातर सभी मछलियों में पाया जाता है, पर कुछ मछलियाँ ऐसी होती हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में ओमेगा 3 पाया जाता है, जैसे कि सैलमोन होती है या ट्यूना होती है। इन मछलियों में ओमेगा 3 बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं वेजिटेरियन के बारे में। तो वेजिटेरियन में कौन कौन से है, जैसे कि अलसी होती है, अलसी में बहुत अच्छा ओमेगा 3 होती है, या अखरोट होता है, अखरोट के अंदर भी बहुत अच्छा है, बादाम खा सकते हैं आप, या पीनट बटर भी आप खा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के अंदर बहुत अच्छी मात्रा में ओमेगा 3 पाया जाता है, यानी कोस 3 जो ड्रॉप है ये ओमेगा 3 मेन इसके अंदर कंपोजिशन है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी डोजेज हमें कितनी कितनी लेनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी डोज के बारे में, यानी ये कितनी कितनी लेनी चाहिए। तो एक तो ये सबसे पहले बात, ये न्यूबॉर्न बेबी से लेके 6 या 8 महीने तक के बच्चे को ही चलती है, और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने तक ही दें। एक बार आप जब भी इस ड्रॉप को दें, पहले एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें एंड उसके बाद ही आप इसको दें। अब हम बात कर लेते हैं इसकी डोजेस कितनी कितनी लेनी चाहिए। तो मैंने आपको बताया जैसे कि न्यूबॉर्न बेबी से लेकर 6 या 8 महीने तक के बच्चे को दी जाती है, तो इसके जनरली डॉक्टर 10 बूंद सुबह शाम देते हैं,
पर एक बार आप जब भी इस दवाई को लें, एक बार पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें एंड उसके बाद ही आप ये लें। अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में, कि इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। इसके कोई इतने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं है, पर कुछ साइड इफ़ेक्ट देखे गए हैं। अगर आपने ज़्यादा ओवरडोज दे दिए तो कुछ साइड इफ़ेक्ट जैसे कि बच्चा चिड़चिड़ा हो सकता है, या घबराहट हो सकती है बच्चे को, या वॉमिटिंग भी हो सकती है, या नोज़िया हो सकता है। मैंने आपको इसके यूज़, डोज, साइड इफ़ेक्ट एंड MRP सब चीज़ आपको इस चीज़ में बता दी है। अगर आपको कोई भी क्वारी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा। एंड आपको अगर और किसी चीज़ से भी रिलेटेड कोई मेडिसिन की वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।